मैं प्रिया आपके साथ। रूस के मकदान में फंसे भारतीय यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शाकाहारियों को खाने के नाम पर सूप और रोटी दी गई। सभी यात्रियों को जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये यात्री मंगलवार को नई दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट से रवाना हुए थे। इंजन में खराबी के कारण रूस के मकदान एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अब यात्रियों को सैन फ्रांसिस्को पहुंचाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से रवाना हुई है। मकदान में फंसे पैसेंजर्स में से एक ने वीडियो शेयर करके लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी। उसका दावा है कि खाने पीने में दिक्कत आ रही है। यहाँ सिर्फ सी फूड और नॉनवेज मिल रहा है। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें सिर्फ रोटी और सूप दिया गया। रात में लोगों को जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना पड़ा। एक कमरे में 20 लोगों को रखा गया। टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था भी ठीक नहीं। इसके अलावा लैंग्वेज के चलते भी परेशानी हो रही है। मकदान में लैंड हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर्स सवार थे। एयर इंडिया का कहना है कि मकदान या उसके पास के शहरों में उनका कोई कर्मचारी नहीं है। कंपनी ने रूस सरकार के अफसरों की हेल्प लेकर पैसेंजर्स के होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। एयर इंडिया ने यात्रियों का सैन फ्रांसिस्को पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट भेजी है। मुंबई से बुधवार दोपहर 1 बजे ये फ्लाइट रवाना हुई। पैसेंजर्स के लिए जरूरी सामान भी भेजा गया। अमेरिकी सरकार ने भी कहा कि वह फ्लाइट डायवर्ट की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि यह नहीं पता कि विमान में कितने अमेरिकी नागरिक थे। यह फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को आ रही थी, जाहिर है इसमें कुछ अमेरिकी भी होंगे। दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान की मंगलवार को रूस के मकदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के इंजन में अचानक आई खराबी की वजह से उसे मकदान की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 6 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर रही थी। इंजन में तकनीकी खराबी के बाद उसे डाइवर्ट करना पड़ा था और रूस के मकदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।